दोस्तों लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया क्योंकि उसमें आपको आपके जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है उसको कम करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली है। और ये वाकई ये बहुत ज़्यादा बढ़िया पेपर है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कहाँ से बाय किया जाए कहाँ से बाय किया जाए। तो सबसे पहले आप अपनी मार्केट में, उसके बाद ऑनलाइन, और अगर इन सब जगहों पर महंगा मिल रहा है तो उसके बाद मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आज का जो वीडियो है वो भी कुछ पेपर्स के ही टॉपिक पर है। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, ये है सेंचुरी का फ़र्क, यानी जो आपका A4 का प्लेन पेपर होता है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करनी है। दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा और आपको एक बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चलेगा पेपर्स में, और इन पेपर्स के फ़र्क से आप काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बचा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लाख दो लाख रुपये बचा सकते हैं, लेकिन हाँ आप काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बचा सकते हैं। तो चलिए बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट हमारी यही रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांग, आप देख रहे हैं मिस्टर क्रिएटिव देवांग। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको फोटो स्टूडियो से रिलेटेड और काफ़ी सारी इनकम से रिलेटेड या फिर न्यू बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों आज का जो हमारा पॉइंट है, वीडियो है, वो हम लोग बात करेंगे सेंचुरीज के ऊपर। दोस्तों आपने बेसिक जो है दो प्रकार की सेंचुरी देखी होगी, हो सकता है कि आपने अभी तक सिर्फ एक प्रकार की सेंचुरी भी देखी हो, जो कि होती है ये ग्रीन सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, शायद यहाँ पर लिखा होता है 70 GSM। ठीक है, आप अपने में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है 70 GSM, तो 70 GSM का ये होता है ग्रीन सेंचुरी पेपर। अब कभी कभार आपसे गलती से एक और सेंचुरी का पैकेट आ जाता होगा जो कि ये है स्टार सेंचुरी। ये क्या है, ये थोड़ा कॉस्टली आता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों ही A4 पेज होते हैं। ठीक है, दोनों ही A4 पेज होते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है। इनके GSM में फ़र्क होता है, जो स्टार वाली जो आपकी सेंचुरी है वो 75 GSM की होती है और जो आपकी ग्रीन सेंचुरी है वो 70 GSM की होती है। 75 GSM मतलब मोटा पेपर होता है और ये जो 70 GSM है वो पतला पेपर होता है। दोस्तों मेन पॉइंट, अब काफ़ी ज़्यादा जो दुकानदार होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो शॉप वाले होंगे, वो दिमाग लगाएंगे कि हम अपने कस्टमर को बेस्ट पेपर दें। ऑफकोर्स आप अपने कस्टमर को बेस्ट पेपर दीजिए, लेकिन अगर यहाँ पर कोई पॉइंट की बात ना होती तो पिछला वाला वीडियो जो है वो वायरल नहीं होता। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप भी देख लीजिएगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पर फ़र्क क्या है कि आप 70 GSM जीरोक्स के लिए दीजिए, आप 75 GSM देकर कोई राजा महाराजा नहीं बन जाएंगे, कोई बहुत बड़े पॉपुलर नहीं हो जाएंगे। तो अब आपका सवाल ये आता है कि हम 75 GSM यानी स्टार सेंचुरी पेपर का करेंगे क्या। तो ये जो आपकी स्टार सेंचुरी पेपर है, आप दोनों को हाथ में लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ये हल्का सा मोटा पेपर है क्योंकि ये 75 GSM है। तो आप इसको इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपका यहाँ पर डोमोसाइल सर्टिफिकेट होता है, आप इन सभी में यूज़ कर सकते हैं, जो कि सर्टिफिकेट्स प्रकार के कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो प्रिंट आउट होते हैं, उनको आप दे सकते हैं। ठीक है, आप 70 GSM यानी ग्रीन सेंचुरी, इस वाली सेंचुरी का आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन सेंचुरी का आप सिर्फ जीरोक्स में यूज कीजिए। जीरोक्स का मतलब ही होता है फोटोकॉपी। ठीक है, फोटोकॉपी का मतलब जैसे आपने कहीं पर डुप्लीकेट कॉपी लगानी है, ठीक है, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए रखी जाती है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, तो इसलिए ये जीरोक्स हो गया। सर्टिफिकेट परमानेंटली होता है, इसलिए आप स्टार सेंचुरी उसमें यूज कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। बाकी काफ़ी सारे लोग यही 70 GSM वाली यानी ग्रीन सेंचुरी यूज़ कर रहे हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सर्टिफिकेट्स के लिए ये 75 GSM का पेपर यूज़ कीजिए, जो कि आपका स्टार सेंचुरी के नाम से आता है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, हो सकता है कभी कभार आपके पास गलती से आ गया हो और कुछ लोग इस पेपर को पहली बार सुन या फिर देख रहे हो। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है कि पहली बार सुन या देख रहे हैं, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और इसको बाय करने के बाद इसका रिव्यू हमको ज़रूर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही कि आपको बताना था कि आप गलती से कभी ये पेपर मत ले आइएगा जीरोक्स के लिए। ठीक है, और जीरोक्स के लिए आप यही पेपर यूज कीजिए ग्रीन सेंचुरी, और सर्टिफिकेट के लिए आप स्टार सेंचुरी यूज कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में जो भी आपको फ़ायदा लगा हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिस्टर क्रिएटिव देवांग चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सकेगी।
वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रही है इसलिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको देखना पड़ता है, इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रही है। लेकिन आपके फ़ायदे के लिए मैं रिसर्च करता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी बेस्ट न्यू मसालेदार टॉपिक के साथ, किसी न्यू वीडियो, न्यू बिजनेस आइडिया, न्यू सेविंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।